अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल को जिन नए दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया और आपके राय का भी इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अदब की दुनिया का एक चिराग गुल हो गया, साहिब तर्ज शायर माहिर लिसानियात, एक साफ गो और तवाना आवाज़ नसीर तुराबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके बारे में बात कहाँ से शुरू करूँ। शायर नसीर तुराबी से मेरा पहला गायबाना तारुफ इस गजल से हुआ था। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। ये 80 के अशरे की बात है। उन दिनों में मैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में गजलों के एक फरमाइशी प्रोग्राम की मेज़बानी किया करती थी। उस ज़माने में सामईन बहुत बाज़ौक होते थे, तो गजलों की फरमाइश भी आया करती थी और नसीर तुराबी की ये गज़ल सामईन में बहुत मकबूल थी और बहुत तवातुर से नशर हुआ करती थी। उस वक्त तो ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि शायर नसीर तुराबी से कभी मुलाकात भी होगी, लेकिन हुआ यूं कि नसीर तुराबी की अहलिया के वालदेन रावलपिंडी सेटेलाइट टाउन में हमारे घर से कुछ ही फासले पर रहते थे और इत्तेफाकन एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारी बड़ी बहन के ससुर मोहतरम कर्रार अहमद जैदी, जिनके कराची में नसीर तुराबी के ख़ानदान से बड़े दरीना ताल्लुकात थे, वो रावलपिंडी आए और उनकी वसादत से नसीर तुराबी और उनकी अहलिया से हमारा बाज़ाब्ता तारुफ हुआ, जो एकदम ही से दोस्ती में बदल गया। भला उन जैसे शानदार, खूबसूरत, खुश अखलाक और मजलिसी जोड़े से इंसान दूर भी कैसे रह सकता था। ऐसी ही मुलाकातों का एक वाक़या मैं अपनी नई नस्ल को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। उनकी एक क्लासिकी गज़ल है, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। ये गज़ल आप लोगों ने चंद बरस कबल एक बहुत ही मकबूल टीवी सीरियल हम सफ़र में बहुत मर्तबा सुनी होगी, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इस सीरियल की मकबूलियत में इस गज़ल के अशार का बहुत दखल था, क्योंकि इसके अल्फाज से सीन की ड्रामाई कैफियत का जो तासुर उभारा जाता था वो दिलों पर बहुत गहरा असर छोड़ता था। लेकिन शायद बहुत से लोग ये ना जानते हों कि इस गज़ल का पस मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था। नसीर तुराबी पर यह गज़ल कब और कैसे वारिद हुई, उन जज्बाती लम्हात का एक मरतबा वो ज़िक्र कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि 16 दिसंबर 1971 को शब 8 बजे वो रेडियो पाकिस्तान कराची के अदबी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे कि टेलीफोन बजा और उन्हें ये बताया गया कि आज ये प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए आप रेडियो स्टेशन पर तशरीफ़ ना लाइएगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद सकूते ढाका का ऐलान होने वाला है। नसीर भाई कहते हैं कि मैं ये सुनकर वहीं बैठ गया और मेरे दिल की बेआवाज़ चीखें आंसू बनकर इस गज़ल में ढल गईं। कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। वाह। कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी, कि अदावतें थीं तगाफुल था रंजिशें थी मगर, अदावतें थीं तगाफुल था रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई न थी। वाह वाह। बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई न थी, बिछड़ते वक्त तो उन आँखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। वाह 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 वाह। गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी, कभी ये हाल के दोनों में यक दिली थी बहुत, कभी ये हाल के दोनों में यक दिली थी बहुत,
कभी ये मरहला जैसे के आशनाई न थी। वाह 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 वाह। मोहब्बतों का सफर इस तरह भी गुजरा था, शकस्ता दिल थे मुसाफिर, शकस्ता पाई न थी। वाह 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 वाह। अजीब होती है राहे सुखन भी देख नसीर, वहां भी आ गए आखिर जहां रसाई न थी। वाह वाह वाह। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। एक बोलती हुई जिंदा गजल, किसी गजल की आफाकियत की इससे ज्यादा दलील और क्या हो सकती है कि 50 बरस गुजरने के बाद भी जब इसे सुनते हैं तो दिल ये कहता है कि काश हम यूं जुदा ना होते। हमारे मुल्क से चले आने के बाद बस फिर वो सोबतें ख्वाबो ख्याल हुई, वक्त की रेत किस तरह से पिसलती चली गई इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन चंद माह कबल नसीर भाई और भाभी से जब एक मर्तबा फिर अचानक टेलीफोन पर बात हुई तो बिल्कुल यूं लगा कि वक्त तो कहीं नहीं गया था, वक्त तो वहीं ठहरा हुआ था, हम वहां नहीं थे। वही मोहब्बतें, वही यादें, वही दोस्ती, बिल्कुल यूं लगा जैसे कि तमाम बीते हुए मंजर सामने आ खड़े हुए हों। नसीर तो राबी शायर ही नहीं बल्कि एक हमा जहद शख्सियत थे। वो सिर्फ शायरी में ही लफ्ज़ों की जादूगरी नहीं किया करते थे बल्कि लफ्ज़ों की साइंस लिसानियात के माहिर थे और ये सलाहियत उन्होंने अपना खूने जिगर जलाकर हासिल की थी। शायर और अदीब सफदर हमदानी उनके इसी पहलू पर रोशनी डालेंगे। हमा शब इंतजारे सुबह विसाल, शब नहीं जिंदगी गुजारी है, फैसले का है एक पल वरना सोचने को तो उम्र सारी है। नसीर तुराबी बिलाशुबा मुनफरिद शायर थे और इस मुआशरे में अपनी शनाख्त के लिए शायद मरना ज़रूरी हो चुका है। मेरी तालिब-ए-इल्माना राय सुखनगोई से ज़्यादा अहम काम उनकी तसनीफ शेरियात है जो उन्होंने 12 बरस की तहकीक के बाद शाया की। वो शेरगोई में कहर के अपने मुतसिब थे। शेरियात दरअसल मुकदमा शेर व शायरी है जिसे कम से कम शायरों और नए लिखने वाले शायरों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो काफ़िए रदीफ़ के ज़ोर पर शेर कहने वाले नहीं थे बल्कि उनकी इनफरादियत, फ़िक्र, ख़याल और जिद्दत अल्फाज गोया लफ्ज़ियात थी। नसीर तुराबी को याद रखने और उन्हें खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनकी शेरियात को एम ए उर्दू और अदीब फाजिल के निसाब में कम से कम अब ही शामिल कर लिया जाए। नेशनल बुक फाउंडेशन इस किताब को लाइब्रेरियों में कम से कम कीमत पर मुहैया करे। शुआला सेहत लफ्जी और दुरुस्त इमला के लिए कम से कम एक मरतबा ये किताब ज़रूर पढ़ें। सन्नाटा बोलता है सदा मत लगा नसीर, आवाज रह गई है समाअत नहीं रही। शायरी में नसीर तुराबी की लफ्जियात मुनफरिद व यगाना, बामानी जिद्दत की हामिल और बेदार अजहान के लिए हैं। ये लफ्जियात गज़ल के अलावा उनकी सलाम और मनकबत में भी जा बजा नजर आती है। कभी कुंज हुर के करीब जा, कभी ताब सहने हबीब जा, कभी कुंज हुर के करीब जा, कभी ताब सहने हबीब जा, कभी सूए बैते शबीब जा, कोई अरमुगा हो तुम। मेरे शर्फ़ गर्ब की खैर हो कि सफर है दजले दहर का, मेरे शर्फ़ गर्ब की खैर हो कि सफर है दजले दहर का, कहीं मिसल नाम हुसैन भी कोई बात पा उतरे। नसीर तुराबी का अदबी और शेरी मेयार
इस कदर बुलंद था कि निस सदी के तख्लीकी सफर में उनके सिर्फ दो शेरी मजमुए अक्स फरियादी सन 2000 में और उनका नातिया मजमुआ ला रैब 2017 में शाया हुआ। लिसानियात के तनाजुर में दो अहम किताबें 2013 में शेरियात और 2019 में लुगतुल अवाम शाया हुई। आजकल वो गालिब के कलाम की शरह लिख रहे थे जो इसी बरस यानी 2021 में एशाक के लिए मुतवक्के थी। किसी भी शायर के लिए ये बहुत बड़ा एजाज होता है कि उसकी गजल की जमीन में कोई और शायर भी गजल कहे। नसीर तुरावी की एक बहुत ही मशहूर गजल है, देख लेते हैं अब उस बाम को आते जाते, ये भी आजार चला जाएगा जाते जाते। अहमद फराज ने इस गजल की जमीन में ही गजल कही तो क्या हुआ। नसीर तुराबी और हमारे पुराने साथी वसतुल्लाह खान के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा आपको सुनवाती हूँ। इस गुफ्तगू में सहाफी जरार खोड़ो भी आपको नजर आएंगे। फराज ने लिखी थी ना कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। जब मुझे फोन कहा कि उन्होंने कहा प्यारे साहब तुझे मैंने काट दिया, मैं कहा जी काट तो दिया लेकिन बहुत बड़ी गलती के साथ, करने क्या। मैं कहा सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आता जाता। ये है ग्रामर। हालांकि आप कहते हैं सिलसिले तोड़ गए हम सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। बिला शुबा नसीर तुराबी की कद कामत का कोई शायर ही ये कह सकता था। शायरी बहुत से शायरों के लिए वजह शोहरत बनी, कुछ शायर सियासत से मुंसलिक होकर बहुत मशहूर हुए, कुछ ने अपने ओहदों को अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल किया और कुछ की गैर मामूली शोहरत नूर जहां, इकबाल बानो, मेहदी हसन और गुलाम अली जैसे बड़े गुलूकारों की मरहूने मिन्नत है। मगर नसीर तुराबी कभी शोहरत के पीछे नहीं भागे। उनके लिए फलसफाई शायरी क्या था, सुनिए मेजबान शकील जाफरी से उनकी गुफ्तगू। देखिए अगर शौक रखती हूं तो आपको अपनी शोहरत का शौक होगा, इसमें जो सबसे बड़ा आइटम होता है शौक, शोहरत मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा जौक में ये नहीं होता, जौक में शोहरत नहीं होती, जौक में आसूदगी होती है कि उसकी रूह खुश हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं जौक में आसूदा रहना चाहता हूँ। नसीर तुराबी अदब की दुनिया में ऐसी रिवायात की अमीन शख्सियत थी जिनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। वो अपने दोस्तों और अदबी साथियों के लिए बहुत बड़ा खला छोड़ गए हैं। नसीर तुराबी मौला अली के चाहने वालों में से थे, इसलिए मौला अली का ही एक कौल यहाँ पर दोहरा रही हूँ कि बेहतरीन है वो इंसान जिसकी जिंदगी में लोग उसकी सोहबत पसंद करें और उसके जाने के बाद उसे अच्छे अल्फाज में याद करें। और नसीर तुराबी को लोग अच्छे अल्फाज में सिर्फ याद ही नहीं कर रहे बल्कि उनकी कमी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। लंदन में मुकीम कॉलम निगार और एक अदब नवाज शख्सियत रुखसाना रख्शी, जो उनसे जिंदगी में सिर्फ एक बार मिली थी, वो ये कहती हैं कि नसीर तुराबी की वफात का सुनकर बिल्कुल यूं लगा जैसे अदब की दुनिया में अंधेरा फैल गया हो। तो वो इतना क्या कहें उनको कि उनकी आंखों की जो खूबसूरती थी वो उनकी जहानत की वजह से, जहानत से मुजयन थी। कभी हमने नहीं ऐसा शख्स कोई देखा कि जिनका चेहरा भी अदबी हो और बोलने में भी अदब, बोलने में भी अदब की जुबान उनकी और दिखने में भी अदबी इंसान। क्या थे वो, तो बहुत खास थे। हमारे तो दिल को यकीन बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारे दरमियान नहीं। क्या ये सितम जरीफी नहीं कि नसीर तुराबी जैसे दानिशवर, माहिर लिसानियात और बड़े शायर को उनकी वफात के बाद याद करने के लिए मीडिया चैनलों के पास एक आध घंटा भी नहीं होता।
मुल्क के परागंदा सियासी माहौल और मीडिया की कमर्शलिज्म ने अदब और सकाफत जैसे लतीफ जज्बों को कौम से छीन लिया है। सोचिए अगर ये सोशल मीडिया भी ना होता तो उन जैसी शख्सियात गुमनामी के जंगल में गुम होकर ना जाने कब दुनिया से रुखसत हो जाया करती और लोग तो जान भी ना पाते। और बस आज मैं उन्हीं की गजल के इस शेर पर इख्तिताम करती हूँ। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई ना थी। नसीर भाई को अभी बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ सुनाना था, ज़माना भी बहुत शौक से सुन रहा था, लेकिन वो 10 जनवरी 2021 को खामोश हो गए और हमेशा के लिए। मगर उन जैसे शायर और अदीब की आवाज़ किसी एक सदी के लिए नहीं बल्कि सदियों तक गूंजती रहती है। इजाज़त दीजिए।